de Motran. Or area D dos. सबसे पहले मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि डॉक्टर आबिद बेदार साहब का शुक्रिया था कि उन्होंने आज की शाम मुझे काजी अब्दुल वदूद साहब मरहूम के सिलसिले का एक मौका देने के लिए मजबूर किया। काजी साहब से मेरे रास्ते थे और वो अक्सर चीजों में या मैं अक्सर चीजों में उनके हमराज होता था। मुझे आबिद रज़ा बेदार साहब ने बराना तलवार कहा है, बराना तलवार तो हमारे यहाँ आदि साहब थे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। जिस सफाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ वो बात कहा करते थे, उर्दू में ऐसा नफा या ऐसा मामले आज तक पैदा नहीं हुआ। तो मैं अपने लिए ये भाई से बात समझता हूँ कि उनके नाम से मंसूब होता है मुझे कहने के लिए कहा गया है। मैं ये भी तसव्वुर करता हूँ कि काश आज काजी अब्दुल वदूद जिंदा हो यूनिवर्सिटी जिसका कि आजकल आम चर्चा है, जो हमारे जहनों में हलचल मचाए हुए हैं, उस पर उनका रद्द अमल सबसे ज्यादा दिलचस्प होता। सबसे खरी और सच्ची बात इस बारे में वो ही कह सकते थे। जहां तक के आज के मौजूद का ताल्लुक है, वो उर्दू यूनिवर्सिटी है जिसका की चर्चा पिछले दो साल से जैसा कि जनाब सर के साथ रहा, और जो अर्जुन सिंह जी ने अपनी वजारत के जेर तहत एक कमेटी के तौर पर काम किया था, जिसने करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों रुपया सर करके घूम फिर कर और बिलाकर सिफारिशात का एक मंडल जो है वो दी गई थी, लेकिन अब यकीन 1 करोड़ से ज्यादा होगी।
और इसी तरीके से दो करोड़ की आबादी पूरी दक्कनी जो रियासतें हैं उन सब की तैनात कर उर्दू बोलने वालों की तैनात हिंदुस्तान में तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा हो जाती है और उर्दू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दी हुई 15 जबानों में 6 नंबर पर आती है। ये बहुत सी हिंदुस्तानी जबानें जैसे गुजरात महाराष्ट्री है और मराठी है उसकी बात आती है हिंदी से और बंगाली तकरीबन से और आपकी साइड निकल जाती है और मैं वेदांत आपसे सुबह मजाक के तौर पर कह रहा था कि उर्दू का एक इलाका और भी है जिससे आपकी नजर नहीं आती है। इन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा कौन सा मैंने कहा पाकिस्तान में सिंध जहाँ 2,20,00,000 उर्दू बोलने वाले बसते हैं और एक अलहदा सूबे के लिए एजुकेट भी करना है जैसे कि आपको उसे भी मैं उर्दू पे इलाका समझता हूँ। तो ये कुछ कहने लगे आपके कहने से अब इसके बारे में समझे लेकिन वो भी बहुत बड़ा चंक है जितनी यूपी में आबादी है उतनी सिंध में है उर्दू बोलने वालों की आबादी है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता इसीलिए खामोशी है
उसका बजट भी स्पेशल निकाला गया और मेरे ख्याल में ये खामोशी लंबी होती रहेगी खासकर इलेक्शन के बाद तक। फिर क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है या क्या। तो लेकिन ये उर्दू में यूनिवर्सिटी होने का जो मसला है ये कोई नया नहीं है, जो Thank you.
वक्त समाधान रख दिया है। जिस तरह सियासत में जमाना बदल रहा है, हिंदुस्तान की सियासत में एक जमहूरियत का या डेमोक्रेटिक असूलों का सैलाब सा आ रहा था, वोट सिस्टम की शक्ल में इंतखाब और जो बहुत बड़ी ताकत थी, जिससे कि मुसलमान भी खबर थे। मुसलमान जो है अपनी दुनिया को कायनात समझता, माफ कीजिएगा आप ऐसे जो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, और ये समझता है कि बस वही एक सिराते मुस्तकीम है जिसके जरिए से कि हम पहुंच सकते हैं, और दूसरी जो रास्ते हैं वो गलत हैं। और अमीर खुसरो के उस पैगाम को भूल जाता है, हर रास्ता सही है, चल के तो देखो पहुंचेगा। हमने कुछ तो चुटलाकर बड़ी तहरीरी हिस्टोरिकल मूवमेंट को, जिसने हिंदुस्तान उस वक्त हलचल में मोकला और जिसे कि सक्रिय नहीं सक्रिय की मदद थी कि जो पीढ़ी आ रही है हमें नीचे। अब आप अपनी गलत आएंगे लोगों के नाम, क्योंकि
नहीं
बंगाली बन चुकी थी और संस्कृत का रिलाइजेंस हो चुका था। इसलिए बंगाली ये फितरी तौर पर समझते थे कि बंगाली की बेल जो है वो संस्कृति के सहारे से ऊपर चल सकती है। बंगाली को बड़ी जबान बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लेना अभ्यास है और स्थानीय भाषा इसमें उन्होंने कहा कि भाई हिंदी भी ये लोग क्यों फारसी के लफ्ज मिलाते हैं और फारसी रस्म खत मुश्किल जो है उसे सीखते हैं, यह है हमारा संस्कृत का रस्म खत है, मैं रस्म खत है, आसान है, यह है वो अदालत में राय होना चाहिए, उसमें चाहे फारसी की सुनाई भी मुद्दई मुद्दा ले लेके जाए तो रास्ता वो निकल जाएंगी और उसके बाद इंस्टीट्यूशन को इसमें मैं आकर्षण हो जाएगा। लेकिन बता दूँ मैं समझता हूँ कि अगर लिंग्विस्टिक के लिए आप देखें तो ये झगड़ा जो है न तो फारसी का है, न उर्दू हिंदी का है, न बंगाली हिंदी का है, बंगाली हिंदी का है। ये दो बड़ी लिसानी ताकतें के टकराव का एक अलग तो चली पहले उसने ईरान को शेयर कर लिया, अपने नीचे कर लिया और उसके बाद पढ़ी फिर हिंदुस्तान में आकर उसने उर्दू जबान को उसके असर से उर्दू जबान के देखने की जबान को शेयर करके उर्दू दूसरी बड़ी ताकत संस्कृत को ये तो यहाँ के संस्कृत आदमियों ने उससे ज्यादा जो हमारे उन्होंने भी डिस्कवर कर लिया उसकी ताकत को याद हो। बंगाली पहली जबान थी जिसने कि संस्कृत का सहारा लेकर अपने आप को ऊपर कर दिया। पहला इधर शिवाजी इस जमाने में और उसके बाद मुंबई नया दरवाजा बन गया था महावीर जी बात के वहाँ पे मराठी ने अपना सुपर शिक्षण हालांकि मराठी की बहुत से अदालत थे और मराठी के तो इसलिए टकराव चॉइस जो था वो ये था कि संस्कृत या अरबी तो शहीद बहुत अरबी नहीं फारसी है अरबी के देश से नहीं है तो फारसियों की फारसी है वो तकरीबन खत्म नहीं हुआ वही फारसी जो है सिर्फ वर्बल फॉर्म और स्ट्रक्चर में तो है लेकिन वोकैबुलरी में तो मेरी वैसी अरबी है जैसे कि उर्दू आए तो टकराव जो था और मैं समझता हूँ बंगालियों का ये च्वाइस बंगाली को संस्कृत के सहारे से जब अलग किया जाए कि फुल नेचुरल कम से कम आगे उसके बाद बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान के क्या ट्रेंड्स रहे वो उससे मुख्तलिफ रहे लेकिन उन्होंने कभी भी रविंद्रनाथ ठाकुर को या किसी उसको रिप्रिय नहीं किया उन्होंने अपनाया और उनकी बंगाली को अपनाया ये जरूर है मैं यहाँ कहने जाता रह चुका हूँ इसको ये कहती है कि वो अपनी बोलचाल में उर्दू फारसी के बहुत संक्षिप्ता वही कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका तरफ मुख्तलिफ होता है कि मुख्तलिफ होती है कि खबर खबर का अलग है क्या खबर इस तरीके से अपने उच्चारण करते तो असल में ये कष्टकर जिसने कि कई शक्लें कई रूप धार लिए थे अरबी का फारसी रूप हिंदी का उर्दू
इंडिया में मलयालम और तेलुगू नतीजा यह है कि उर्दू बोलने वाले जो हैं
में पैदा हुई उर्दू यूनिवर्सिटी में। मेरे जो लिंग्विस्टिक्स के साथी प्रोफेसर से मेरा नाता सुनीति बाबू जो मेरे बुजुर्ग थे उससे कहते थे कि खान साहब डू यू बिलीव इन उर्दू यूनिवर्सिटी का अध्ययन उर्दू एज ए लैंग्वेज मुसलमान एक आइडेंटिटी ये कहती है कि हमें उर्दू को कायम करना है उर्दू है। दूसरी हकीकत इन्हीं जो है वो ये कहती है कि कैसे चलते इसके लिए अगर आप तारीफ देखें उर्दू यूनिवर्सिटी तो कैसे वहां हुई है ये था खादी यूनिवर्सिटी किस किस्म की हो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कायम नहीं कर सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखिए कि एजुकेशन का जो आइटम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को सेंट्रल और स्टेट दोनों में हिस्सेदार पहले तो हटा हुआ था लेकिन अब दोनों को हिस्सेदार कर दिया गया। तो इसलिए जब तक कि जिस स्टेट में आप कोई इदारा कायम करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन वहां की स्टेट की अगर भर्ती न हो और कायम ना हो तो उस वक्त अगर इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त कांग्रेस की अध्यादेश हुकूमत थी जब भी हुकूमत थी हमारे प्रधानमंत्री है जी उर्दू बोलते हैं इनकी सारी एजुकेशन हुकूमत में मैं हैदराबाद से जानता हूँ हैदराबाद में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी है के साथ इनकी स्कूल एजुकेशन जो है उर्दू में हाईस्कूल उर्दू मीडियम और तेलुगु उनकी मातृ जबान आजकल इसे कहा जाता है बड़ी अच्छी जानते हैं और अभी बड़ी अच्छी जानते हैं जैसे उर्दू में तीन चार के बोल रहे हैं समझे वो सारा नहीं आता वो कहते हैं भाई उर्दू मैंने बहुत लेकिन ये वाकया है उनका उर्दू के नियम उर्दू का सेपरेशन है वो इतना अच्छा है कि हम लोग प्रश्न फिर जब उसने खड़ी बोली हिंदी में बता देते हैं तो हिंदी बोली अच्छी बोलते हैं और अगर उनकी मातृभाषा है मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं हमारे कैबिनेट में जब वो प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं तो तीन आदमी हैं जो मराठी बोलना शुरू कर देते हैं वो आज की संध्या मिनिस्टर के क्या नाम हुआ तीनों एकदम मराठी में शुरू करते बात करना था तो इसी और कुदरत है वो कहें महाराष्ट्र मराठी में कुछ तो अब ऐसी सूरत में जब आप इतने मुंतशिर हैं जब तक कि स्टेट की तहीन न हासिल हो जाए उस वक्त तक उर्दू यूनिवर्सिटी को चाहेंगे तो अगर तेलुगुदेशम अगर चाहेगा तो वो अपनी जमीन भी छीन लेगा और अपनी छीनेगा तो नहीं छीनेगा ये सूरत है कि चाहता के साथ अच्छा इन कमेटीज में से ऐसे लोग जो कि जबान के खड़े हैं और हट हैं उनको आमतौर पर रखा गया कोई तो कहता हूं उनसे कि भाई ये क्या उर्दू की जैसे
के बाद आप छत डाल रहे हैं, छत और ये हुआ बहस के बाद ये हुआ कि हम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी पहले नहीं कर सकते थे, मैंने कहा था हमें एक ओपन यूनिवर्सिटी हायर करना पड़ेगी। ओपन यूनिवर्सिटी पे बड़ी बहस के बाद आए, इसलिए पिलर पर जगह आए। आप बताइए होगा कि यूपी में जो सरकारी रवैया रहा है, सिवाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीन स्कूलों के एक हाई स्कूल यूपी में नहीं है जिसने के मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो ना कि सिंगल, इतने बड़े सूबे हैं और इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ से दोगुनी आबादी, सब स्कूल जो है उनका मीडियम बदल दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने यह किया है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक उर्दू मीडियम भी रखा है। जिस सूबे में ये सूरत हो, तो जब यूपी का नाम दिया गया यूपी में तो हम देखेंगे तो कहाँ से होगा, सिर्फ बिहार का खेलेंगे, बिहार के हाथ का देखकर यहाँ पे कुछ मतलब स्कूल ऐसे हैं बताया गया है, और स्कूल भी जिनमें उर्दू मीडियम आठ में तक साल में तक, अब ये कि हाई स्कूल या टेंथ स्कूल उर्दू मीडियम में यहाँ पे है। इसे बात के महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सूरत हाल हैदराबाद में शहर के अंदर सिर्फ 15 हाई स्कूल संसार कह सकता हूँ और दो कॉलेजेस उर्दू मीडियम के लिए इसी हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी बनी थी उसे तो आ गया बहसनेस कर दिया, अब बेछत थी बे उसके खंभों की उर्दू यूनिवर्सिटी उसी की छत बनी। अगर मैं उस कमेटी हूँ तो मैं यही प्यारा मेरा इस्तेमाल करता हूँ कि जो छत वाली थी उसे तो गिरा दिया और वे खंभों की अब छत आ जाते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अगर आप जो उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं उस पर कुछ सवाल कायम करें, अब जो आखिरी रिकमेंडेशन सामने आई है उसकी है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये रेजिडेंशियल कोर्स जहाँ करस्पॉन्डिंग कोर्स है जितने प्रणाली ओपन वो खाली दिल्ली का है, कहेंगे रखो उसके बाद फिलहाल 500 पूरे हिंदुस्तान से 500 स्टूडेंट एजुकेशन मिला। ये रहने में नहीं थी अभी पार्लियामेंट का बजट पेश नहीं हुआ, इस उसमें होगा इस उसमें होगा, अब कहते हैं अगले पेश में होगा, तो बिना बजट के तो कोई चीज अब सकती है, तो अब बजट पास होगा उसके बाद फिर जमीन अमीन ना भी जाएगी, देखा जाएगी कुछ इमारत वगैरह इसका, उस वक्त इलेक्शन आ जाएगा तो देखेंगे कि अब इलेक्शन के बाद रखेंगे नहीं आएगी चला देंगे। तो इस पर मैंने जो सदैय देश में तकलीफ की थी दो वर्ष है डेली में श्री कुमार मंगलम साहब थे वो जाहिर कर रहे थे तुमने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा में आशिक जो है उनके बाद करना पड़ता है, ये मालूम हो जाए कि झूठा वादा है तो जानकारी लग जाएगा कि कोई नहीं होगा, तुमने झूठा वादा करके आज हमारी अब हम
इसमें मैंने ये सवाल आए किए ओपन यूनिवर्सिटी बहुत महदूद होगी, अगर 500 के एक से आप करते हैं इंडिया के फिर से तो 500 से क्या काम चलेगा, क्या यूनिवर्सिटी और क्या उसकी डिग्री से फिर उसी सूरत सवाल ये था कि इस ओपन यूनिवर्सिटी की फीडर समस्याएं हर यूनिवर्सिटी स्कूल होते हैं कॉलेजेस होते हैं जहाँ से तालिब इन मिलते हैं बिहार के स्कूलों से तालिब इन होते हैं। जब स्कूलों की ये सूरत है जैसे उत्तर प्रदेश में है कि सिवाय 3 स्कूलों के मरे थे कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ से बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ता हो, उर्दू एक सब्जेक्ट है टीचर पार्टी आती है तो हैदराबाद की ओपन यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर करवाए। फिर ये कि इनके जो डिग्री टाइप के लोग यात्रा लोग उनकी रोटी रोटी का मसला ही था उन्हें प्राइवेट फॉर्म के इसकी कारण पड़ता है बेशतर लोग रोटी रोटी के लिए पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा प्रदेश में मिलेगा प्रदेश और इसलिए ये उर्दू यूनिवर्सिटी जो है इससे ज्यादा से ज्यादा है पॉलिटिकल गेमिंग उसे यकीन नहीं है
कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू मीडियम के सेक्शन में चपरासियों के बच्चों के साथ बैठकर उसका अच्छा लेते कुछ भी बन सकेगा। तो ये कंट्रडिक्शन खुद हमारी सोसाइटी में है और वैसे यह है हर चीज में लीडरशिप है ये है। तो ये कंट्रडिक्शन दिख रही इस वक्त भी मुसलमानों का लोअर मिडिल और क्लास है वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहता है और भेजता है उसकी वजह यह उनके पास इतने पैसे नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल इकोनॉमिक मजबूरी की है उनकी फीसें इतनी है तो नहीं भेज सकते। तो जब ये सूरत हाल है तो उर्दू यूनिवर्सिटी का क्या होगा एक मौका है समझने का ना समझाने का जिंदगी का है और यहाँ बाप है दीवाने का तो दीवाने का ख्वाब मुझे महसूस होता है। हमारे लिए दीवाने का ख्वाब है अहले सियासत के लिए ये चाल है जो चल रहे हैं और हम जो है खुले पत्ते चले जा रहे हैं बनने से मजबूर इसके पीछे कोई इसलिए यही चंद चीजें हैं। बाकी अगर कुछ सवाल हुए तो उससे मैं बात करूंगा। उसे उर्दू लैंग्वेज
से रोजी रोटी का मसला है, उसमें भी लड़कियां और गरीब तबका है वो फायदा उठाता है। तो मुझे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक काबिल फैसला था निकाल के साथ फायदा किया, मैंने कहा भाई आप ICS और PCS बनाइए, हम यह है कि चाहते हैं कि हमारा रिक्शा चलाने वाला जो है वो भी एक अखबार रोजाना पाए, इतनी उसकी क्या ताकि वो दुनिया की रफ्तार से क्या मदद हो सके। अगर हम किसी को डिप्रेस करते हैं तो वो भी एक खिदमत है, क्योंकि चाहे से जो है डिप्रेट आदमी है तो हमारा एम जो है वो यह है कि वो एक उर्दू अखबार अगर पढ़ लेता है उसकी इतनी सलाहियत होती है तो हम समझते हैं कि उससे आगे चल निकलता है। तो वो नंबर ऑफ गेम्स, ये गेम ऑफ नंबर्स डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती,
एक अलग भी प्रदर्शन है। अगर एक जुबान जिंदा रहना चाहती है तो दूसरे जुबान को भी जिंदा रहने का हक देना पड़ेगा, ये कि मामले से कर सकता है। ये तो मेरे अपने कुछ डॉक्टर साहब के ये इश्यूज कुछ सामने रखे हैं, मैं हॉल के सामने ये डिस्कशन के लिए ये रखना चाहता हूँ। तभी साहब को सवाल रखें सवाल वैसे है कि एक यूनिवर्सिटी खुद फाजिल मुकर्रे ने कहा आजादी के पहले उर्दू में थी उस्मानी यूनिवर्सिटी, वो खत्म कर दी गई। अब जाहिर है कि वो खत्म इसलिए नहीं की गई कि पढ़ने वाले नहीं थे या उसकी जरूरत नहीं, वो पॉलिटिकल वजूहात से खत्म की। तो अब अगर पॉलिटिकल वजूहात है तो एक नहीं छह उर्दू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में खुल सकती है। पॉलिटिकल वो जो वहां तक अगर होंगी तो छत होगी। तो अब रह गया एक बात, दूसरी बात है कि उर्दू की तालीम से किसी को दिलचस्पी नहीं। हम कहते हैं कि किसी को हिंदुस्तान से तालीम में सरकार सरकार का रखता है दिलचस्पी किसी की तालीम से। उर्दू से रोजगार कैसे मिलेगा, अंग्रेजी पढ़ के कहां रोजगार मिलता है। बेरोजगारी का जो सवाल है जो सरकार जो डूब जाएगी आपकी विधानसभा में और हिंदुस्तान कहाँ जाएगा अगर ये मसला हल नहीं हुआ, उसके लिए अमरीका की गुलामी में जाएगा कहाँ जाएगा। वो सारी बातें आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, वो गरीब असेंबली पार्लियामेंट में बहुत मुझे उसके कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो सरकार के नौकर नहीं देने के रखे के लिए अपने यहाँ नौकर की तनखा पर नहीं दिया कर सकते, नौकरों नहीं दे रही है हिंदुस्तान की यादव कहाँ उर्दू का होगा। हम कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ने वाले का रोजगार नहीं है, कहाँ से चले जा रहे हैं अपनी का मनिस्टर के बेटे सब व्यक्ति के बेटे सब अमरीका के नौकरी का है कर रही है मिलती तब समझिए हाई विकास ग्रुप को हिंदुस्तान से चला जा रहा है। तो ये सवाल सिर्फ उर्दू के साथ नहीं है, तालीम पढ़ के क्या करेगा, उर्दू में पढ़ के क्या करेगा आप सवाल करते हैं, हिंदी में पढ़ के क्या करेगा, तेलुगु में पढ़ के क्या करेगा, अंग्रेजी में पढ़ के क्या करेगा। ये पूरी नस्ल का जो भविष्य जिसको कहते हैं मुस्तफर तारीम है सब लोग जानते हैं, सब लोग कहते हैं हर यूनिवर्सिटी के पास चांसलर से बोलिए कहा कि कोई तालीम नहीं है, तालीम अजीब नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर की पढ़ाती ही नहीं है प्रोफेसर सब, खाली तनख्वाह मांगता है। हाँ हमने मिनिस्टर से एक नहीं तीन चीज मिनिस्टर से हमारी बात हुई है बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर से कहिए भी पूछ लीजिए मेरे सामने क्या प्राइमरी एजुकेशन में जो करोड़ों करोड़ रुपये खर्च है सब खता है कि बिल्कुल बेमान है, कोई प्राइमरी टीचर पढ़ता है कोई स्कूल चलते ही नहीं है, सब लोग जानते हैं रोज बात होती है हर जगह बात होती है। तो ये इस हाल में ये उर्दू वाले सिर्फ अपना ये सारे मसला कोई छोड़ेंगे, उर्दू यूनिवर्सिटी की जरूरत है। एक बात मालूम नहीं है तो नोट करते मालूम होकर बिहार के अंदर 80 से ऊपर हाई स्कूल है माइनोरिटी हाई जो अपने हिसाब से यानी वो लगे लेरियस माइनोरिटी लिंग्विस्टिक माइनोरिटी यानी वो उर्दू समझा के उर्दू हाई स्कूल देना। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें हम खुद जानते हैं, वो सब जो है तो पढ़ने में जगह स्पोर्ट कर लिए नहीं है, वो नहीं है किताब नहीं है ये नहीं है, कोई हिंदी वाला नहीं है और मजबूरी भी तुरंत नहीं पड़ता है इसलिए दो हजार देती है। लेकिन वो अगर एक यूनिवर्सिटी खुल जाए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी एक भी खुल जाए अगर वो कहा कहाँ आ गया दूसरे साल 200 और खुल जाएगा बिहार में क्या तीन बहुत अच्छे कॉलेजेस है जो मालूम नहीं है, एक जमशेदपुर में, एक पटना में, एक वहाँ गोपाल सारण सारण में है, वहां से तीसरे साल आर्मी पास किया वहीं से पास किया है वो आईएएस पास किया आईएएस में किया तो मुकम्मल किया। तो तीन चार कॉलेज है जो माइनोरिटी कॉलेज है मुसलमान जाहिर है कि वो अगर हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी चला हो सकता है। हम लड़ने का सवाल सरकार कुछ अपने नहीं देती, सरकार तो पॉलिटिक्स करती ही रहती है। उर्दू आवाम में अगर बेदारी होगी
मिश्रा से निग्रह करके वो यहाँ की मुद्रा की बात है। इसलिए यहाँ सवाल उर्दू बहादुरी का नहीं है। हर डेमोक्रेट की ये ड्यूटी जिसको हिंदुस्तान में जमहूरियत से सवाल में प्यार है वो समझ रहा है। ये सब करने वाली ज्यादा बात नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसको समझिए, एक यूनिवर्सिटी ही चल रही, दूसरी यूनिवर्सिटी अब 45 तो नहीं चल रही, तो वो एक खास हालात है। तो गांधी को मार दिया था, शायद एक वर्ष का बड़ा हुआ गांधी के कदम में और यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कदम में एक साल ही के अंदर हुआ। तो अब तो फिर अगर ऐसे ही पागल हो गए यहाँ के लोग और अब संत आ रहा है, समझ रहे हैं और इसको जो देख रहे हैं समझ रहे हैं। तो बिहार में कहा लड़की कहूंगा, यूपी में कैसे लड़की कहूंगा, वो सिर्फ निर्वाण यूनिवर्सिटी स्वामिया यूनिवर्सिटी का खून का बदला है। ये खाली भागलपुर के खून का बदला नहीं है, 45 वर्ष का पान है। अब हिंदुस्तान में लोग समझ रहे हैं और बिहार में सिर्फ एक बात ना, कोई बात नहीं। बिहार वालों ने यह बात की उसको एक्ट में भी और इसको यहां पर इसमें कोई कसाई नहीं करो, मैं हूं कि मैंने बिहार के उर्दू वालों को यह सिखाया और आलो भी हमारी दी कि साहब ऐसे काम नहीं करेगा। यहाँ का डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो चल रहे हैं उनके साथ शिरकत कर दिया, जब उनके साथ शिरकत किया तो हमने सशक्त बनाया है उर्दू का इलेक्शन इशू। इलेक्शन इशू तो यह सरकार से सीबीआई कर रहे थे, सीपीए पे कर रहे थे, वो उसका सोशलिस्ट पार्टी थी एसएसपी और पीएसपी। तो अब वहां जहां जा रहे हैं हम तो वहां पर कैंडिडेट भी बोल रहा और कैंडिडेट के जो लीडर आए हैं प्राप्त दिए और आवाज इंडिया वो भी कह नहीं उर्दू को सरकारी फॉर्म मिल गया। अब सारे हिंदुस्तान ने बाहर वहां पर किया हमारे यहाँ किसी चीज, लेकिन हम लोग लगा के नहीं ठीक है और मरवा के दिखा दिया दूसरी सरकारी तरफ। अब उसको कहते हैं नौकरी की बात, एक बात सिर्फ नौकरी की बात है, आज से 15 वर्ष की बात है। मशहूर अफसरान अभी शकील आसर पर गए, शकील आसर ने ही जवाब देखा कि कैसे रोजी रोटी आए हुए थे तो उन्होंने बजट
मोरिया होटल में हम लोग एड्रेस करते हुए कहा था कि करला हजार साल दरहिम जुबान फारसी जुबान दरबारी बूथ जुबान हुक्मरानी बूथ शुमा हाला तेरा फरामोश कर दे शुमा बायत के ही जुबाना दूस दारी। तो मेरा ही कहना है कि 1000 साल कबल या 1000 साल तक हिंदुस्तान में अगर फारसी जुबान हिंदुस्तान में हुकूमत की, आज जुबान का मतलब मुसलमानों का उर्दू से जोड़ना नहीं अच्छा होगा अगर हम फारसी को मुसलमानों से जोड़ें, क्योंकि हमारी तारीखी पस मंजर बता रही है कि वो 1000 साल तक जो हुकूमत हुई वो मुसलमानों की हुकूमत थी। और जहाँ तक उर्दू की बात है तो उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने के लिए कल ही से जो तकरीर चल रही है, जहाँ तक अलीगढ़ की बात चली और डॉक्टर सर सैयद साहब की, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम किए कि मुसलमानों को खाने के लिए दुनिया की जुबान को सिखाया, यानी अंग्रेजी ला के। तो उर्दू अगर मुसलमानों से जोड़ी जाती है तो बात यही होती है कि वो उनको हक नहीं दिया जा रहा है बल्कि बरतरफ किया जा रहा है। और जो भी जुबान है खास करके उर्दू, ये कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेजेस है, जिस तरह इंग्लिश भी कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेजेस है, वहाँ लैटिन है, फ्रेंच है और एक्सेट्रा जितने लैंग्वेज हैं, तो उर्दू में फारसी की जो भी अल्फाज हैं, उर्दू में जो हिंदी के अल्फाज हैं, जो उर्दू में इंग्लिश के अल्फाज हैं, उर्दू में जो और जुबान है, हम ये चीज़ क्यों नहीं कहें कि उर्दू सब जुबान से आई है, उर्दू हर के लिए है ना कि एक मुसलमान के लिए है। अगर उर्दू एक मुसलमान की बात रहती तो मैट्रिक तक की जो हम लोग पढ़े थे 84 हमने मैट्रिक किया है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमको अभी ज़्यादा वो हिंदू पोएट्स या हिंदू राइटर का नाम याद है कि उसमें ज़्यादा हैं बनिस्बत मुसलमान के, जिसमें पंडित दीनदयाल चक्रवर्ती हैं और वो दंपत राय हैं, प्रेमचंद, बहुत सारे हैं, प्रागर और सूर्य। तो ये लोग उर्दू जान के किया था, ना कि उर्दू को मुल्क का एक अंग जान करके आगे करके ये कर कुछ देगा। और मुख्तसर में है कि जैसा कि सर बताया कि यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बिहार गवर्नमेंट के तरफ से सादिक स्पीकर आपके गुलाम सबर साहब किशनगंज में एक मुशायरे में पिछले साल उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में उर्दू बोलने वालों की तादाद ज़्यादा पूर्णिया कमिश्नरी में खसूस अररिया और किशनगंज जिले में है, तो यहीं पे वो यूनिवर्सिटी खुलेगी। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा डॉक्टर खसूस साहब को कि पूर्णिया अररिया अगर नहीं तो किशनगंज जिला ज़रूर है जहाँ बिहार में उर्दू बोलने वाले ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरी जुबान को, अगर जुबान की लिहाज से देखा जाए जिसको कि सरकार मानती है। मैं ये कल से है तो मैंने आपका किया, अगर कल से लैंग्वेज करने के लिए अभी तक ये कोशिश नहीं की जा रही है कि उर्दू को किसी पर्टिकुलर से जोड़ा जाए, उर्दू या आपने भी कल सैलेट भाई ने यह बदकिस्मती हम लोगों की हिंदुस्तान की रही है कि उर्दू को फाजिल मौकर ने यह कहा ना आज हिंदुस्तान में था, बल्कि ये पोलिटिकल ये आप भी अपना नाम मोहम्मद जावेद अकबर। ये सर आपने जो सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव की बात की है तो क्या उर्दू लैंग्वेज के प्रोपगेशन को हम एक एथनिक कल्चरल रिवाइवलिज्म समझें? एक दूसरा आपने सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में कहा कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोपगेशन को ज़्यादा जोर दिया, तो जहाँ तक सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोपगेशन का, इट वॉज नेवर अगेंस्ट उर्दू लैंग्वेज, इनफैक्ट वो हमेशा फेवर किए टू लैंग्वेज कंसेप्शन को, जो आज मेरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, इवन मेजॉरिटीज ऑफ द इंडियंस आर फॉलोइंग टू लैंग्वेज फॉर्मूला, तो बंगाल हो चाहे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो चाहे हमारा साउथ इंडिया हो, वहाँ अपने लैंग्वेजेस के अलावा जो उनकी मदर लैंग्वेजेस है उसके अलावा वो ऐसे लैंग्वेज को दे रहे हैं जहाँ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान वाज इन वेरी मच फेवर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए, ही वॉज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एज वेल एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो कल भी जैसे बात कहेगी कि सर सैयद अहमद खान के सिर्फ एक आस्पेक्ट पर टच किया गया, वो था इंग्लिश के प्रोपगेशन को या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोपगेशन को, वो उनके सोशल रिफॉर्म्स को टच नहीं किया गया बिल्कुल।
उस वक्त में जब इतना ऑर्थोडॉक्सिटी इस्लामिक सोसाइटीज में, वहां पे वो उन्होंने वेमन लिबरेशन की बात की, दैट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट करेज। और उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि औरतों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को भी, तो हमको इंग्लिश को भी जोर देना पड़ेगा। लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज के कभी मुखालिफ नहीं रहे। दूसरी चीज़ कि आपने लिंग्विस्टिक, ये उर्दू जोन, स्पीकिंग जोन का जहाँ तक सवाल है, आपने पंजाब को जिक्र नहीं किया, जबकि एक बहुत मेजोरिटी चंक अभी भी जो 40 प्लस जिनकी उम्र है, या एटलीस्ट 40 है, वो उर्दू नोइंग है। वहाँ अभी निम्बेक्ट, क्योंकि मैं पंजाब बहुत बार जा चुका हूँ, वहाँ गुरमुखी में भी है और उर्दू में भी है, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, सिर्फ दो लैंग्वेज में ज़्यादातर, गुरमुखी है उर्दू में। और तीसरा चीज़ है कि उर्दू यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव का सवाल है, तो उर्दू लैंग्वेज जब परवान चढ़ी, जब उसका सही प्रोपगेशन हुआ, उस वक्त कोई उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं थी हिंदुस्तान में, तो उर्दू लैंग्वेज को हम अपने सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव से जोड़ना, क्या ये सही है, मुनासिब है? और कोई सवाल? ओम प्रकाश, मेरा नाम हुआ। मैं उर्दू जानता नहीं हूँ डॉक्टर हुसैन, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो एक तो मेरा सवाल है कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए, उर्दू विश्वविद्यालय में लड़के पढ़ें उर्दू, क्या इससे बेहतर यह नहीं होगा कि निःशुल्क बिना फीस लिए उन्हें कंप्यूटर, जर्मन, फ्रेंच या अदर वैसे विदेशी लैंग्वेज सिखाई की व्यवस्था की जाए? क्योंकि इसमें दो मत नहीं है कि बेकारी बहुत है, सब भाषा जानने वालों में, जैसा कि आप लोगों ने कहा, लेकिन इसमें भी दो मत नहीं है कि जितनी बेकारी उर्दू और हिंदी जानने वालों में है, उतनी बेकारी इंग्लिश जानने वालों में है। एक मैट्रिक इंग्लिश मीडियम का लड़का 11 भी 5-star होटल में बन सकता है, लेकिन इनमें पास हिंदी और उर्दू का आदमी 11 भी नहीं बन सकता है। इसलिए सारे लैंग्वेज में बेकारी की बात नहीं पा पाते, स्टैटिस्टिकल देखने की जरूरत है। इसलिए मेन स्ट्रीम में मुस्लिम गरीब लड़कों को, जहाँ तक आपने कहा कि अखबार कम से कम पढ़ रहे, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से उर्दू स्कूल हैं, मदरसे हैं, क्या उनकी भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि उसमें जो पढ़ाई होती है, क्या उसमें गरीब लड़के पढ़कर अखबार रिक्शा वाले का लड़का नहीं पढ़ सकता है? उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत नहीं पहुँचा रही है, यूनिवर्सिटी खोलकर कम से कम रिक्शे वाले के लड़के के लिए आपने कहा कि वो अखबार पढ़ सके, उसकी जरूरत क्या है यूनिवर्सिटी खोलने की? तीसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखते हुए ये रीजनल लैंग्वेज में या जिसका किसी खास कौम से रिश्ता हो, वैसा यूनिवर्सिटी खोलना आज के माहौल में क्या मुनासिब रहेगा? और उर्दू के विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या क्या कर रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या इस बात पर विचार करना जरूरी नहीं है कि मुसलमान इसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग के दरमियान नई नकल पर दो कल से बहस हम लोग कर रहे हैं, चाहे भाई ने कल अपनी तफरी की थी आइडेंटिटी का सवाल, आज आपकी तफरी का वो हम समझते हैं कि सेकंड पार्ट डॉक्टर साहब ने रखा है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी व्यूज इसमें रखें और जगन्नाथ साहब यहाँ मौजूद हैं, ये यीशु की तरफ प्रति साहब ने इशारा किया था, डॉक्टर ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज और उस तहरीक से जगन्नाथ सरकार साहब का वो बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, और ये हमारे बिहार के ही नहीं हिंदुस्तान के माने हुए लीडर हैं, इनके भी कुछ व्यूज सामने आए तो नई नस्ल को रोशनी मिलेगी। बंगाल में संस्कृत का रिवाइवल
19 सेंचुरी का मिडिल के बाद में हुआ, मैक्स मुलर सर जेम्स जोन्स वगैरह का प्रयास से जब संस्कृत का नए सिरे से रिवाइवल हुआ तब हुआ, लेकिन उससे पहले बंगला भाषा जरूर फॉर्म लिया था विद्यासागर जी वगैरह के कारण, कुछ मॉडर्न शेप आ गया था, संस्कृत बेस्ड था, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो आपने फरमाया कि ये तो जो आपने फरमाया कि ये टसल असल में हिंदी और उर्दू का नहीं था, ये अरबी और संस्कृत का था, इसका आधार पता नहीं आज आपके पास इतना समय हो या नहीं, अगर ज्यादा तफसील से बताते तो मेरे समझने के लिए मुझे मदद मिलती, और आज अगर नामुमकिन हो मैं कभी आपसे अलग से मिलकर इसके बारे में जो मुझे जानकारी की कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। और जहां तक रजी साहब का सवाल है, मैं बहुत अदब से ये कहना चाहूंगा, और मैं मानता हूं जगन्नाथ बाबू ने उसके प्रति इशारा भी कर दिया है, कि हम जो अपने आप को आज समाज का एलिट मानते हैं या लोग भी मानते हैं, हम दावा भी करते हैं लोग मानते हैं, हमारे भीतर एक डिकोटॉमी है, हम कहते कुछ है और अपना जीवन में का आचरण में करते कुछ है। और हम चाहे जितनी मातृभाषा की बात करें, बंगाल का आपने सुनी लिया, लेफ्ट फ्रंट सरकार ने कोशिश की, लोगों ने बड़ा उसका मुकदमा किया, उसको विड्रॉ कर लेना पड़ा, फिर अंग्रेजी, और फिर वो तो सवाल है, रजी साहब ने शुरू में ही कहा कोई सत्ता में रहने वाले आदमी, चाहे पॉलिटिक्स के हो, स्ट्रगल सर्विस के हो, ट्रेड इंडस्ट्रीज के हो, वो जानते हैं कहाँ नौकरी या रोटी रोजी का गुंजाइश ज्यादा, वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजेंगे, भले ही अंग्रेजी मीडियम के लोगों में भी काफी मात्रा में बेकारी हो, मैं मानता हूं आपके कहने में सच्चाई है कि प्रोपोर्शनेटली अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में बेकारी कम है, और ये जो एक साइकोलॉजी है ये सारा सब सही जानते हुए भी हम इसको अजमान एक फैटलिस्ट एटीट्यूड हम लेते जाते हैं कि इस प्रकार की तालीम में, क्योंकि तालीम को हम लोगों ने रोजी रोजी से जोड़ लिया, इसको ज्ञान प्राप्त करना या कल्चर या तहजीब इसके साथ नहीं जोड़ा, ये बिल्कुल रोटी रोजी का सवाल है, वो एक सनद है, एक थप्पा है, एक मोहर है, ये मिल जाए तो हम एलिजिबल बन जाते हैं कहीं भी अप्लाई करने के लिए। तो सही हो ये गलत हो, एक मान्यता हमारे दिमाग में घुस गई है कि अंग्रेजी हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी से रोटी रोजी का सवाल हल करने में मदद मिलेगी, और ये भी है कि आज के जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना चलेगा नहीं, और वो अंग्रेजी के माध्यम से, जबकि जर्मन कोई साइंस टेक्नोलॉजी अंग्रेजी के माध्यम से नहीं पढ़ते, जापानीज भी कोई साइंस टेक्नोलॉजी अंग्रेजी के माध्यम से नहीं पढ़ते, फ्रेंच कोई साइंस टेक्नोलॉजी अंग्रेजी के माध्यम, हमारे मुल्क में या एलिट के दिमाग में ये सवाल है, जो सही उसके हिस्ट्री जो भी हो आज मौजूदा स्थिति में ये स्थिति है। तो बहुत सारी बातें सही होने के बावजूद जब तक पब्लिक ओपिनियन उसके अनुकूल नहीं होता है, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमारे सब पब्लिक मैन पॉलिटिक्स में, सिविल सर्विस में, ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स में, ये सब कॉम्प्रोमाइज कहेंगे कुछ और अपने बच्चों को भेजेंगे कहीं और फॉरेन एजुकेशन वगैरह होगी, इसमें मैंने राइटिस्ट लेफ्टिस्ट कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडरशिप ये मिडिल क्लास की एक लीडरशिप है, उसका क्लास कैरेक्टर अगर मैं आपसे कर्ज करूं एक मार्क्सिस्ट पर्नर तो एक है, चाहे बीजेपी हो
कांग्रेस हो कम्युनिस्ट हो तो जो भी हो, तो ये जो एक पैराडॉक्स हमारा, अब देखिए ना कि हम जानते हैं कि सिर्फ ये लिटरेरी एजुकेशन से लैंग्वेज से हमारे रोटी रोटी का सवाल, तो हम लॉजिकली हम मानेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन प्रोडक्टिव लेवल से जुड़ना चाहिए। गांधी जी कह रहे अगर सर प्रोडक्टिव वर्ग खत्म हो गया उसको उनकी अनुयायियों ने उसको खत्म कर दिया उसको माना नहीं, तो ये पैराडॉक्स है। इसलिए मैं मानता हूँ सर सैयद प्रैग्मेटिक होने से जो धीरे धीरे 1888 से वो उर्दू का एक तरह से साइलेंट मैंने फैकल्टी के तौर पर वो एक प्रैग्मेटिक का कोई ऑप्शन उनके सामने नहीं था, तो मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक स्थिति का वर्णन किया हूँ, अब जवाब शायद हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको देना पड़ेगा, मेरे पास तो रेडियो जवाब नहीं है। धन्यवाद। आखिरी सवाल नटराजन साहब का, सवाल होगा सवाल नहीं करूँगा, मेरा तो ऐसा है कि मैं उर्दू नहीं जानता हूँ और मैं उर्दू अभी मैंने उर्दू थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, कोशिश करता हूँ, मुझे उर्दू आती नहीं, लेकिन मेरा एक चीज जरूर है। एक तो जो उर्दू जानने वाले हैं या उर्दू जो पढ़ाने का जो शायद सिस्टम है हिंदुस्तान में और जगह भी, वो बहुत कन्वेंशनल है, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। जैसे मैंने दो चार चीज मैंने जो जो हो सकता है जो आप लोग बहुत उर्दू जानते हो कोई बात मैं पूछना हो, लेकिन मैं जो सीखने वाला हूँ मुझे जो अलग बात है बिगड़ा साहब ने कहा, एक तो दो तीन बात है कि जो कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप उर्दू की स्क्रिप्ट को हटा दीजिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी भाषा में उसका स्क्रिप्ट का भी बड़ा एक अहम रोल होता है, आई एम नॉट फॉर इट, लेकिन यह है कि उसके स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सुधार किए जा सकते हैं कि जो अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेशन हैं डिफिकल्टी हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, और इससे उर्दू ज़्यादा पॉपुलर होने में या उसको ज़्यादा उठने में मदद मिलेगी। दूसरी मैं बताऊँ कि आपको उर्दू और हिंदी एक ही जबान है और उनकी जो मसले हैं वो भी एक ही जैसे हैं और एक ही तौर में और दोनों एक ही नाव में सवार हैं, और उर्दू के बारे में क्या मायूसी की बात है, अगर हिंदी जिंदा है तो उर्दू के मरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने देखा कि सादत हसन मंटो और बहुत सारे जो बड़े बड़े उर्दू के लोग हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन देवनागरी में, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स इट्स नॉट ए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है सादत हसन मंटो के पाँच वॉल्यूम में छह वॉल्यूम में जी ट्रांसलिटरेशन थैंक यू, तो जो ट्रांसलिटरेशन ट्रांसलिटरेटेड फॉर्म में छह वॉल्यूम में सादत हसन मंटो हिंदी देवनागरी में आया है और खूब धारा लगाया है उसकी ने, तो ये कहता है कि उर्दू का बिल्कुल नहीं है, मुझे एकदम ये नाफिक बात लगी, मुझे तो कोई अच्छा, लेकिन साथ ही एक बात जरूर है जो हिंदी उर्दू फिर हम लोग एक ही हम लोग नाव में सवार हैं, दोनों एक जरूर है, मैं महसूस करता हूँ उर्दू में हिंदी में हम लोग यहाँ क्वालिटी बहुत पुअर है, हम लोग यहाँ अमूमन जो आदमी हैं जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो ना हिंदी ठीक से जानते हैं ना उर्दू ठीक से जानते हैं, मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली हुनर बहुत पुअर है। और ये बात देखिए कोई भाषा का विकास इस बात का नहीं होता कि कितनी यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगे और कितने उसके वोट पड़ेंगे और कहाँ उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनेंगे, वो तो आदमी से होगा शख्सियत से होगा, जो लोग इंडिविजुअल एफर्ट करेंगे कोई मिर्जा गालिब होगा कोई इकबाल होगा कोई तुलसीदास होगा, तो भाषा तो आदमियों से बनती है और जब तक आदमी उसमें रुचि नहीं लेंगे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे इंडिविजुअल नेचर में तो किसी भाषा से मिल सकती, तो मैं समझता हूँ अभी मायूसियत की बात यह है कि दुर्भाग्य से शायद हिंदी में भी और शायद उर्दू में भी हम लोगों के यहाँ वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव की शायद बहुत कमी है, और खासतौर से एक डायनेमिक या एक लकीला रूप नहीं है। जैसे कुछ रिकॉर्ड द्वारा समझा मैंने उर्दू की स्क्रिप्ट के बारे में दो चार दिन ऐसे मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ और अगर कोई बहुत माइंड अप्लाई करेगा शायद और बहुत सारी बात मिली, लेकिन पीपल आर जनरली वेरी डिफरेंट एंड वेरी कैजुअल अप्लाई माइंड टू दिस रिस्पेक्ट ऑफ, ये एक बात है जिससे दिया हमारे जैसा कि काम में बहुत कहा कि आप कहते रहे होंगे
बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान में अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं वो सभी हिंदू मुस्लिम मिलके एक ही लैंग्वेज में डेवलप किया, जैसे बंगला असमी मराठी का गुजरात कह सकते हैं। सिर्फ एक हिंदी या उर्दू वाले भी बेल्ट है, वहां पर ये चीज नहीं हो सका। हिंदुओं का भाषा जनरली हिंदी हो गया, अब दूसरा भाषा उर्दू रह गया, ये बंगाल में नहीं, आसाम में नहीं, ये नहीं हो सकती। वाई इसके बारे में आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपके द्वारा सब सवालात की तैदाद और उसके साथ सवालात के साथ जो तकरीरों के तुम छले थे, तो उससे मेरे जहन में सब सवालात जो है वो गठबंध हो गए सिवाय एक दो। लेकिन एक चीज जिसे कि मैंने महसूस किया के बाद हमारे अहम शख्सियतों ने ये महसूस किया मेरी तकरीर से कि उर्दू के बारे में मैं मायूस हूँ या मायूसी या निराशा का कुछ दौर का था, उससे मैं मुतफिक या सहमत नहीं, इसलिए कि मैंने जो लिंग्विस्टिक सिचुएशन है उसे एज ए लिंग्विस्ट एनालाइज करने की कोशिश की, न कि एज उर्दू स्पीकर या एज मुसलमान या किसी और वजह से। मैंने शुरू में कह दिया था कि अब मेरे एनालिसिस से अगर मायूसी निकलती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी को अगर उसमें कुछ किरण दिखाई देती है उम्मीद की तो ये उसकी जिम्मेदारी। मैं उर्दू से मायूस नहीं हूँ, बल्कि जिस तरीके से कि उर्दू के डेवलपमेंट की तब्दीलें हो रही हैं कि पहले हम छप्पर डाल दें और पास पास बात को लगाएंगे तो है वो अलग तरीका है कार्ड की जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं तो कहता हूँ कि उर्दू को अगर आपको बचाना है और जैसा कि आपने कहा है कि उर्दू जितने बोलने वाले हैं हमारे शहरी तो उनका हक है कि उन्हें पढ़ाई जाए अगर उनके नुकसान नहीं, तो आप बिल्डअप कीजिए प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से और फिर नई कॉलेज एजुकेशन, ये इंस्टीट्यूशन पहले बना लीजिए, इनमें उर्दू मीडियम चला लीजिए तो आप देखेंगे कितनी दिक्कतें होंगी। इसलिए कि उर्दू में हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, हाउ टू टीच जनरल साइंस, हाउ टू टीच सोशल स्टडीज, इस पर किताबें नहीं मिलती। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जामिया उर्दू जो कि एक हमारी संस्था है जिससे कि मैं 24 साल से ऐसे ऑनरेडी बाई चांसल के हमें ढूंढे से किताबें नहीं मिलती हैं और बस जगह हमें कोर्स में लिखना पड़ा है कि इसके लिए हिंदी किताबों से मदद ली जाए, इसलिए कि उर्दू में किताबें मौजूद नहीं है और हमने कश्मीर और हैदराबाद तक तलाश किसी जमाने में निकली थी तो अब दोबारा छुट्टी नहीं है। तो इसलिए जब तक कि आपके पास रीडिंग मटीरियल नहीं होगा आप किस तरीके से कोई हायर इंस्टीट्यूशन चला सकेंगे, जबकि रीडिंग मटीरियल आपको हाई स्कूल के लेवल का ही होता है। तो अब ये मेरा एनालिसिस है और ये वाकयात पे मबनी है, अब इससे निराशा और आशा के साथ नहीं है, बल्कि हमें अपनी जो एफर्ट है उर्दू बनाने में और करने में वो जहाँ पे उसे पहली जरूरत है वहाँ से शुरू करें, न कि कुतुब मीनार की पहली चोटी उठा लें और नीचे के खंड जाते हैं वो छोड़ते हैं कि बात को बनते रहेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, हमेशा कुतुब मीनार के नीचे से उठता है। यही हर मुल्क का हर लैंग्वेज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से बनता है। अब आप खुशकिस्मत हैं बिहार में, जैसा कि आपने कहा कि 80 ऐसे हाई स्कूल जो उर्दू मीडियम के, यानी मुसलमानों के नहीं। हमारे यहाँ भी यूपी में मुसलमानों के 15-20 इंस्टीट्यूशन हैं मगर वो सब हिंदी मीडियम के हैं। देखिए तो फर्क ये मुसलमान है, मैनेजमेंट मुसलमान है, ये
मैं बहस कर रहा हूँ कि आया वो उर्दू मीडियम है या हिंदी मीडियम है। वही जो दिक्कत है। हाँ अच्छा देखिए वो दिक्कत है। 15 में इटावा इस्लामिया हाई स्कूल खाली वो है इस्लामिया, मगर यह है कि वो उर्दू मीडियम नहीं रहा है। वो होता होगा वो यहाँ नहीं कर दिया, यहाँ दूसरी कर दिया। यहाँ मैं जानता हूँ कि बिहार में उर्दू में है, लेकिन कुछ चीजें जो कहा किताबें नहीं मिली ये सूरत है। अच्छा पढ़ाई जो हो रही है वो भी ये है कि वो हिंदी या इंग्लिश के साइंस वाला जो सिंबल्स हैं वो पे टीचर लिखता है उसी को रख लेते हैं और लोग हो रहे हैं। इस वक्त सारे हिंदुस्तान में हाई स्कूल तक के लेवल की साइंस या मैथमेटिक्स पढ़ाने की उर्दू में जबान में वो किताबें नहीं थी। उस्मानिया में पहले की बनी थी, अब पड़ी हुई है, वो बहुत सी आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं और जो है बाजार में नहीं। इसलिए आप जनरल साइंस उर्दू मीडियम से हाई स्कूल तक नहीं पढ़ा सकते हैं, जो ये दावा करता है सब। आप सोशल स्टडीज हाई स्कूल तक उर्दू मीडियम तक नहीं पढ़ा सकते, आप अपग्रेडिंग मटीरियल लिखे हैं। और बहुत मुझे आप बताएं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा, इसलिए कि मैं तो एक मुसीबत में हूँ, हर जगह ये देना पड़ रहा है कि इंग्लिश या हिंदी किताबों से मदद ली जाए। तो बताने की बात यह है कि सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जिम्मा लिया है पूरे हिंदुस्तान में किताब की किताबें प्रदान करने का, उसका तैयार वो क्या जा रहा है एनसीआर की। हाँ क्या वहाँ पे अव्वल तो उसको झूठे मारे गए हम लोग। अच्छा जो कह गए जिम्मा कह नहीं देता है। देखिए सूरत यह है कि वो हिंदी किताबों से कोप नहीं कर पा रहा है और उर्दू की तो बिल्कुल कहाँ सरकार पढ़ाने के लिए उर्दू या हिंदी नहीं कर पा रहा है और सरकार को ठीक किया जाएगा। सब लोगों से कहेंगे कि सरकार को ठीक करो, इस संबंध में उर्दू पढ़ाती है हिंदी पढ़ाती है अंग्रेजी पढ़ाती है, ही रखना चाहती है। मैं कह रहा हूँ ना में देर सवेर हिंदी का कोर्स तो मिल जाता है। अच्छा हिंदी के प्राइवेट इदारे भी हैं, इंस्टीट्यूशन भी हैं, पर भी शर्त है क्योंकि कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में ये सूरत है कि 500 या उससे भी कम किताबें छापे जाती हैं और वो फौरन मैन्युस्क्रिप्ट बन जाती है, उसका हिंदी मिलना भी अच्छी किताब है। तो ये दिक्कतें हैं अमली, हमारा कोई प्रेस नहीं है जहाँ पे हम उस्मानिया में एक तर्जुमे का और टर्मिनोलॉजी के इंस्टीट्यूशन जिन्होंने के 20 वर्ष में कई हजार टर्मिनोलॉजी शायद ही कॉपी मिल जाती है पाकिस्तान से चुकी है। पाकिस्तान में एनसाइक्लोपीडिया बन रहा है बहुत पाकिस्तान में काम हो रहा है, नोयत का हो रहा है, लेकिन हालांकि पाकिस्तान में भी वो जितना करना चाहते थे नहीं कर सके हैं और अब भी वहाँ पे भी अंग्रेजी का दौर चल रहा है। ये और बात है कि वहाँ पे पंजाबी या सिंधी या बलोची जो हैं वो डायलेक्टिकल लेवल में हैं और वहाँ तो उसका फाकड़ा नहीं है और उर्दू अंग्रेजी की बात आती है, मगर अब यह है कि उर्दू सियासी तौर से उर्दू वालों की मुखालफत है तो उससे उर्दू की मुखालफत नहीं है, सिर्फ पंजाब एक बचा हुआ है उर्दू मुखालफत से। लेकिन सिंध में सिंधी जो है वो अपनी जबान को भुट्टो साहब ने कर दिया था ऑफिशियल उसे और चाहता है कि उसे हर काम में इस्तेमाल हो, हालांकि सिंधी जो है जो गलत नहीं है। तो ये सूरत है, तो मायूसी का सवाल नहीं है, बल्कि आप जो लिंग्विस्टिक सिचुएशन है उसे रेनाइज कीजिए और उससे नतीजा मायूसी निकलता है तो हमें कबूल करना चाहिए, और अगर मायूसी नहीं निकलता है नहीं निकलती है तो फिर वो करना चाहिए। लेकिन हम आखिरकार हकीकत को रियलिटी को फेस करना क्यों नहीं चाहते, सारा मसला क्या रही है। मैंने पहले कह दिया था कि मैं लिंग्विस्टिक के लिए एनालाइज कर रहा हूँ और वो मुझे अगर कोई गलत साबित कर दे कि हिंदुस्तान में एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे उर्दू बोलने वालों की मेजॉरिटी हो, ये मेरा बयान है यहाँ से। लेकिन एक सवाल यह है कि सुंदर लाल इलाहाबादी ने कहा, सुंदर कवि सुंदर लाल, उर्दू कुछ 5 लाख लोगों की जबान हिंदुस्तान में मानी है और हिंदी तो किसी एक की मां की जबान नहीं। वो तो ठीक है, इसलिए वही फर्क है जो पाकिस्तान में है किसी की जबान उर्दू नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान 2 लाख 20 लाख जो है वो मां की
जबान ऐसी मादरी उर्दू है जैसे कि मेरी है या यहाँ और बोलने वाला सही है, वो कोई और जबान जानते ही नहीं है। वो कराची के लोग कहा जो माजरीन की जबान प्योर एंड सिंपल उर्दू है वही हम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे पाकिस्तान इलाकाई बात कीजिए। उससे पहले पाकिस्तान बनने से पहले उर्दू वहाँ पे सेकंड सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज की हैसियत थी, मादरी जबान की हैसियत से नहीं। अब उसी तरह से आज भी पाकिस्तान की सरकारी हैसियत है कि जो हिंदी की सरकारी हैसियत है, सरकारी जबान वहाँ पाकिस्तान की उर्दू है। हाँ वही करती। अब और जिस तरह से सरकार निग्लेक्ट करती है हिंदी को, उसी तरह सरकार वहाँ निग्लेक्ट उर्दू को करती है। और वहाँ तो सरकार और बिल्कुल की लड़ाई तो तमाम दुनिया में, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी है, रूस में सरकार बदल गई, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म कर दी गई, देख रहे हैं तो दुनिया में कहाँ तक सब कुछ को सरकार लोग का इनको जवाब देने दीजिए कि अपने अब चंद और जो सवाल है वो साथ तस्वीरें हुई हैं तो मेरी समझ करते हैं ऐसा कि सवाल क्या है, अगर मुझे आप याद दिलाएं। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये जो गवर्नमेंट में ये झगड़ा है और दूसरी जगह ये नहीं हुआ तो ये क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे क्यों लिंग्विस्टिक यूनिटी वो नहीं पैदा हो सकी जो बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब एक ही समाजवाद हुए यार। उसकी वजह यह है कि तारीख में इस एरिया में उर्दू का डेवलपमेंट पहले हुआ है हिंदी से। उर्दू में 200 साल तक लिटरेचर पैदा हो गया था, उर्दू बन चुकी थी, उर्दू के प्लेटफॉर्म पर पढ़े लिखे हिंदू भी आ चुके थे। उसके बाद विलियम्स ने हिंदी प्रोज जो है वो बिल्डअप हुई। अब आप ये कहें जरा सूरदास और तुलसीदास और ये सब डायलेक्ट्स हैं जिन्हें हिंदी कहती हमारी है। समय हिंदी वाले जो हैं उन्होंने बिहार, पूर्वी बिहार से लेके और पंजाब तक, दिल्ली तक, सब राजस्थान तक सब डायलेक्ट्स को हिंदी को कहते हैं। उनके सबके लिटरेचर को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का एक हिस्सा या अंग बना लिया, लेकिन उर्दू लिटरेचर को नहीं बना सके। और जब बनाने की कोशिश की है तो वो हजम नहीं कर सके। यानी आप या हाल में हुआ है कि हिंदी एमए में कुछ दखनी हिंदी के नाम से हमारे दखनी उर्दू के राइटर वगैरह को सिलेक्शन देते हैं, लेकिन उर्दू को उस तरीके से अंग नहीं बना सके, हिस्सा नहीं बना सके हिंदी साहित्य का, जैसे कि भोजपुरी है, ब्रिज भाषा है, अवधी है, राजस्थानी है, ये सबको हिंदी, लेकिन लिंग्विस्टिकली वो हिंदी नहीं है। लिंग्विस्टी के लिए उनमें पूरी शान जो है एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनने की है। ये और बात है कि उनका एवोल्यूशन जो है डेवलपमेंट जो है खास करते जाकर हो गया और फिर वो हिंदी वालों ने अपना लिया। जैसे मायावती जी को इस वक्त अपना लिया है तो मायावती जी मनवादी थोड़ी बन गई हैं। इसी तरीके से अगर आप सूरदास और तुलसीदास को हिंदी कहें, राजस्थान की मीराबाई को हिंदी कहें, तो वो हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी नहीं है। वो तो एक बहुत ही बड़ा तस्वीर विशाल जो है हिंदी का कंसेप्शन है, ऐसी है जैसे कि उर्दू वाले कहें कि भाई सिंधी और पंजाबी सब हमारी भाषाएं। तो इसलिए लिंग्विस्टिकली वो डायलेक्ट्स हैं, वो डायलेक्ट जो कि डेवलप नहीं हो पाई जिन पे के खड़ी बोली हिंदी जो है सुपर इम्पोज हो गई है। और अब उस हैसियत से देखिए पूरी हिस्ट्री में इस बेल्ट में और काउ बेल्ट ही नहीं बल्कि ये बेल्ट जाती है हैदराबाद और मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक, यहाँ पे उर्दू पहले डेवलपमेंट हुई है और उर्दू का लिटरेचर 200 बरस का हो चुका था तब खड़ी बोली हिंदी, बता रहा हूँ दूसरी हिंदी में खड़ी बोली हिंदी डेवलपमेंट। अच्छा, शुरू शुरू में उर्दू के प्लेटफॉर्म पर 1800 तक हिंदू मुसलमान दोनों रहे, जितने भी राइटर्स पैदा होते थे वो ब्रिज में गीत भी तो लिखते थे, जब प्रोज लिखने आते थे तो वही तकरीबन प्रोज लिखते थे,
ये तो फोटो ही एम कालिश से लल्लू लाल जी कभी और विश्व वगैरह ने वहाँ के करने के लिए फिर वो लोग कहते हैं कि क्रिस्ट के इशारे पर या बहरा या अपने तौर पर ये उस वक्त हुआ है। इसलिए हिंदी प्रोज कंटिन्यूस प्रोज है वो फोटो ही एम कालिश से पहले नहीं मिलता है, कुछ फ्रेगमेंट्स, जबकि हिंदी कविता सूरदास तुलसीदास और मीरा बाई और उससे पहले और ये उससे बहुत पहले मिलती है, मगर वो हिंदी कविता खड़ी बोली हिंदी की नहीं। अब उर्दू में हिंदी वाले जब कभी मिलाने की कोशिश करते हैं तो उर्दू को हजम नहीं कर पाते। मसलन जब उर्दू में वो इकबाल को लेना चाहते हैं या खालिद को लिखना चाहता है तो उनके बल्ले कुछ नहीं होता है। सिलसिले रोज़ो शब्द नक्श भरे हाथ साथ सिलसिले रोज़ो सब असले हयात व मवाद तुझको फरकता है ये तुझको फरकता है ये सिलसिले रोज़ो शब्द। अब इकबाल की ये बड़ी ज़बरदस्त सिले बना ये जो है हिंदी में आप ट्रांसलेटेशन कर दीजिए जब तक मौका दीजिए। तो एक तरफ यह है, दूसरी तरफ हिंदी की रामायणी की ओपनिंग लाइन लीजिए हिम ग्री के उत्तम शिखर पर पैर शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे रहनों से देख रहा था जब प्रभाव ऊपर जलता नीचे ऊपर जलता नीचे जलता एक चढ़ता एक भ्रम एक ही तत्व की संक्षिप्ता है। ये उर्दू में आप स्क्रिप्ट में करते हैं तो उर्दू वाले जो उर्दू वाले हिंदी जानने लगे हैं समझ में नहीं आएगा। तो रामायणी को आप एक तरफ रखिए और इकबाल और गालिब की शायरी को आप एक तरफ रखिए, दोनों के ट्रेंड ऐसे हैं कि बगैर नोट्स के फुट नोट्स के ये ट्रांसलेटेशन से आप इसमें देखिए। इसलिए हिंदी की उर्दू की आइडेंटिटी आदि का मैं फेज ले रहा हूँ बन चुकी थी जब हिंदी खड़ी बोली हिंदी की आइडेंटिटी बनना शुरू हो गई और सैयद एक प्लेटफॉर्म पर उर्दू की आइडेंटिटी पर 1800 से 1860 तक रही 1800 पैदा हुए उस वक्त से और उनका बिलीव ये था कि हमारी भाषा ही पढ़े लिखों की भाषा है क्योंकि वो लेफ्ट राइट जो भी देखते थे वो एक ही जबान बोलता था। पहले फारसी में खतों किताबत मजमून लिखते थे उस बात ये तो जब पूरा रिवाइवल हुआ है हिंदुइज्म का और इंडियन हिस्ट्री के जो मॉडर्न फोर्सेज हैं डेमोक्रेटिक उनका रिलीज हुए हैं उस वक्त सर सैयद ने महसूस किया कि भाई ये तो चल नहीं सकेगा और वो प्लेटफॉर्म जो है लिंग्विस्टिक को टूटना शुरू हुआ फौरन सर सैयद और खुद उन्होंने देखा कि अब ये टूटते हुए प्लेटफॉर्म पे अंग्रेजी की किश्ती में थोड़ी देर चल पैदा हो सकता है वो कबड्डी और उसके बाद तैरे उसके ऊपर और उस इंग्लिश की किश्ती पे अलीगढ़ कच्चर हाथ लेकिन अलीगढ़ ने आपकी और लाइब्रेरी की तरफ से आपको शुक्रगुजार हूँ।
लोगों को बहुत जानकारी मिली है।